नमस्कार साथियों, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर के डिपार्टमेंट है, वहां पे पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, जो ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, लेवल 10 पे मैट्रिक्स में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहा है। लगभग 2 से 3 साल के बीच में ये वैकेंसी आती है हर बार, और लोग सेलेक्ट होते हैं, जो लोग सीरियस होते हैं, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो इस वैकेंसी का बहुत इंतजार होता है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। एक तो ग्रुप ए है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, एक गजेटेड पोस्ट है, लेवल 10 में आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आप बहुत आगे तक जाने के आपके चांसेस होते हैं। तो इसमें इन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए रिक्रूटमेंट मांगा है। मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा चीजों को, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट www.qcin.org। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। There will be examination fees of 1000 for the candidate belonging to general category. For candidate belonging to SC/ST category, PWE, D, differently able, PH category and women applicants for all categories and any other person, the examination fees shall be 500 rupees, right? The crucial date for claim of any kind of benefit, that with reservation, fee concession, age relaxation, shall be last date of submission of application. लास्ट डेट जो है वो 4th थी, अभी 7th एक्सटेंड हो गई है, वो हम आपको वीडियो में सेपरेटली अपने बता दिया, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू डिबार एनी कैंडिडेट्स। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया है तो आपको वो डिबार कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन है, ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, लेवल 10 पे मैट्रिक्स में आपका रिक्रूटमेंट होगा। लेवल 10 पे मैट्रिक्स का जो बेसिक है 56,100 से लेके 1,77,500 होता है। ये वो बेसिक है जो लेवल 10 का लोअर स्केल और अपर स्केल है। ये बेसिक पे है। बेसिक पे में आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 42% आपका डीए है, 42% या 48%, इस पे आपको डीए मिलेगा। डीए के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा, एचआरए के बाद टीए मिलेगा, और भी जो अदर अलाउंसेस होते हैं सारे आपके बेसिक्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी फैसिलिटीज आपको ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट के लिए होती हैं वो सारी मिलेंगी। टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ 14 जुलाई को, 4th ऑफ अगस्त को आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खत्म होना था, बट इन्होंने कोरिएंडम जारी करके 7th अगस्त कर दिया, और ई एडमिट कार्ड आपका 7th अगस्त को होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 3rd को होगा ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो 30th को आएगा, 30th सितंबर को। मेंस का जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो 18th को होगा। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा 1st अक्टूबर को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन जो 16 अक्टूबर को होगा, और ई एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू होगा जो 22 अक्टूबर को होगा। इंटरव्यू आपका 11th एंड 12th नवंबर को होगा 2023 को। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट जो 17 नवंबर को होगी। और बहुत ही क्लियर कट सारा डिटेल्स शेड्यूल यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। वैकेंसीज में आपको बता देता हूँ, ये देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में 50 वैकेंसी, बायोकेमिस्ट्री में 20, फूड टेक्नोलॉजी में 15, केमिस्ट्री में 56, पॉलीमर साइंस में 9, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 53, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 108, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 29, कंप्यूटर साइंस में 63, फिजिक्स में 30, और सिविल इंजीनियरिंग में 9, मैकेनिकल में 99, मेटलर्जिकल में 4, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आपके पास 8 वैकेंसीज हैं, टोटल 553 हैं। और ये सारी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी अमंग द 553, इतनी वैकेंसीज जो हैं आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। रेस्ट जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आपके पास
बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में भी मास्टर डिग्री, फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री में आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, ओके, एंड पॉलीमर साइंस में मास्टर डिग्री पॉलीमर साइंस में होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री आपके पास पॉलीमर इंजीनियरिंग में हो सकती है, बायोमेडिकल में बैचलर डिग्री बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी ऑप्लिक इंजीनियरिंग, ईसी में आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ईटी ईसी सब हो सकता है, बीटेक इलेक्ट्रिकल हो सकता है इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स में बात मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सिविल में आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल में बैचलर इंजीनियरिंग, मेटलर्जी में बैचलर इंजीनियरिंग, और टेक्सटाइल में भी आपके पास बैचलर इंजीनियरिंग चल जाएगा, ठीक है। ये आपकी मिनिमम है, एज लिमिट 35 रखी है, 5 ईयर रिलैक्सेशन मैक्सिमम अप टू 40 ईयर्स केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशूड बाई DOPT। देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ये सारे जो रिलैक्सेशन मिलेंगे वो 35 इयर्स के बाद ही मिलेंगे आपको, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो एज है, ठीक है। देखिए स्कीम जो ऑफ एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू, ठीक है। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, 152 MCQs होंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा, इंग्लिश के आपके पास 15 मार्क्स होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल के 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 30 मार्क्स, जनरल साइंस के 30 मार्क्स, और IP लेजिस्लेशन इन इंडिया वीपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज के लिए 15 मार्क्स, ठीक है। 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा और 30%, 25% और 20% आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो 25 उसके बाद आपके पास मेंस एग्जामिनेशन होगा, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेपर वन और पेपर टू होगा OMR बेस, पेपर वन आपका OMR बेस होगा, पेपर टू डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा, पेपर वन विल बी 100 मार्क्स एंड पेपर टू विल बी 300 मार्क्स, पेपर टू विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड कंप्राइज ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, अगेन जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स के जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, ओके, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 20 मार्क्स, और जो पेपर टू होगा आपका वो टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन का होगा, 3 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे आपके पास, और पेपर वन एंड पेपर टू विल बी असाइन 80% वेटेज इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, राइट। अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, 100 मार्क्स इंटरव्यू विल गेट 100 मार्क्स एंड विल टेस्ट द कैंडिडेट्स ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड इन द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, द मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू विल बी 20%, इंटरव्यू का 20%, पेपर वन और पेपर टू जो मेंस होगा उसका 80% वेटेज होगा, और प्रिलिमिनरी होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बोला है कि इंग्लिश होगा, ठीक है। सीनियरिटी लिस्ट होगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, राइट। उसमें आपको अगर आपके सेम नंबर आ रहे हैं तो एल्डर और एल्डर कैंडिडेट्स को आपको जो बड़ा होगा एज में उसको अपर रैंक मिलेगी, और अगर फिर एज अगर क्लैश कर रही है तो आपको क्या मिलेगा, एज क्लैश कर रही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट बेसिक थिंग्स, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता, ठीक है। नोट जो सिलेबस का लिंक है वो हम आपको यहाँ पे इस पूरे नोटिफिकेशन के लिंक को शेयर कर देंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको सारा लिंक दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिंपली एग्जामिनेशन को अप्लाई करना है और प्रिलिम्स क्लियर करना है, प्रिलिम्स के बाद आपका मेंस होगा, और सारा स्ट्रेटजी हमने आपको शेयर कर दिया है, डिटेल्स प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस कर देंगे एक सेपरेट वीडियो बना के, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।